हाँ वो याद आया, तुम्हारी डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रही थी कि घबराने की कोई बात नहीं है, बस एंजाइटी की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, वीकनेस भी है। सो अगर अपना ख्याल रखोगी तो एक दो दिन में ठीक हो जाओगी। और मैं ये कहना चाह रहा था कि कोमल, आई एम सॉरी, मैं जानता हूं कि जो कुछ हमारे बीच होता है नहीं होना चाहिए, पर बातें ही ऐसी हैं कि देखो मैं आप चाहिए चला जाऊंगा, पर ये बात करना जरूरी है। जानता हूं तंग करता हूं तुम्हें, दुख देता हूं तुम्हें, पर करना नहीं चाहता ऐसा। देखो मेरे लिए बहुत आसान था तुमसे अलग हो जाना, छोड़ देना तुम्हें, फिर मैं और कायनात, पर कायनात की जरूरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि छोटी है, उसको जरूरत है उसकी। सच तो यह है कि अगर मैं किसी से सच्ची मोहब्बत करता हूं तो सिर्फ तुम, अलग नहीं हो सकता तुमसे, और तुम्हारे अलावा ना ट्रस्ट में कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। दूसरे घर में भी बस इसलिए चाहता हूं कि रहो ताकि आराम से रह सको। एक बार मेरा काम दोबारा शुरू हो जाए बस, फिर तो कायनात की उसके पैसों की जरूरत भी नहीं रहेगी। बस यही कहना था, चलता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट ये तुम्हारी अमानत है, सब तुम्हारा है, इसमें तुम्हारी चेकबुक, कार्ड, एवरीथिंग, तुम देख लो। मैंने कहा था ना तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए होता तो इसरार कर सकता था कि मेरे ही अकाउंट में ट्रांसफर कराएं, लेकिन देखो सब तुम्हारे नाम पे है।